मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पंच से लेकर सरपंच प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और तूफानी जनसंपर्क मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसा ही नजारा इंदौर जिले की ग्राम पंचायत खजराया में देखने को मिला, जहां सरपंच प्रत्याशी कृपा राम रामलाल पटेल विकास के नाम पर मतदाताओं से वोट मांगने में जुटे हैं। ग्राम पंचायत खजराया में सरपंच की जंग। कृपा राम रामलाल पटेल चुनावी रण में उतरे। गांव का मूलभूत विकास बताया अपनी प्राथमिकता। तेरह सौ मतदाता करेंगे गांव के मुखिया का फैसला। जी हाँ, मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम इंदौर जिले की ग्राम पंचायत खजराया पहुंची, जहां स्थानीय मतदाताओं से उनका हाल जाना। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम से चर्चा करते हुए मतदाताओं ने बिजली, पानी और सड़क जैसे कई प्रमुख मुद्दे उठाए। वहीं इस बार ऐसे प्रत्याशियों को जिताने का दावा किया जो जमीन से जुड़ा हो और उनके हक की आवाज़ को शासन प्रशासन स्तर तक उठा सके। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रवीण नागर। प्रवीण नागर जी, क्या गांव में क्या विकास हुआ पिछले पंचायत सरकार में? विकास के तौर पे देखा जाए तो अभी फिलहाल में ऐसा कुछ लगा नहीं कि विकास हुआ है इन पाँच सालों में। क्या क्या समस्याएं, क्या क्या है? खेत पे रोड पे जाने की समस्या है, कुछ भी अभी कुछ भी विकास हुआ ही नहीं रोड पे। क्या विकास क्या चाहते हैं आप? रोड बने, स्ट्रीट लाइट लगे। स्ट्रीट लाइट नहीं अभी तक गाँव में। और क्या क्या समस्या है? पानी वगैरह सब सही है? हाँ, पानी की भी समस्या है। पानी कहाँ से लाते हैं पूरे ग्रामीण से? अभी वैसे बन रही है टंकी, आने वाले समय में उसकी भी सुविधा हो जाएगी। अच्छा, हाँ तो अभी कहाँ से लाते हैं? अभी तो वैसे आसपास के बोरिंग लगा हुआ वहीं से। आपका नाम? नितेश नागर। आपकी क्या समस्या है? समस्या यही है कि गांव में जहाँ पे अपने खेत वगैरह है वहाँ पे क्या है कि जब सोयाबीन का टाइम आता है तो वहाँ से किसानों को सोयाबीन की जो ट्राली है लेके आने में बहुत परेशानी आती है। तो वो आठ साल में किसी भी मतलब कि सरपंच साहब ने मतलब कि कहीं भी रोड बनाई नहीं अपने यहाँ। दूसरी बात, अपने गाँव में जो चोरी होती है तो अपने यहाँ CCTV कैमरे की बहुत सख्त आवश्यकता है। और तीसरी बात कि गाँव में स्ट्रीट लाइट लगे, और जिस गरीब के यहाँ मकान नहीं है कुटीर का भी मतलब कि काम होना चाहिए था, वो काम भी नहीं हुआ अपने गाँव में। तो जैसे कि अगर लेके चले या रोड पर बहुत सारे घर है, मकान है, उनके आवेदन दिए हुए, आज तक उनका कोई मकान नहीं बना। तो ये लेके चले कि अब जो भी नया सरपंच आए उनसे यही उम्मीद है कि वो कम से कम इन जो समस्या अपनी जन समस्या इनको सुने और इनका समस्या का समाधान करें। तो यहाँ पर सरकारी जो योजना है वो सारी योजना यहाँ पर आ रही, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, ये सब यहाँ पर आ रही है? योजनाएँ आती है लेकिन सरपंच और मंत्री कुछ बताने के लिए शोर नहीं करते हैं। तो आपने इसकी शिकायत की उनसे कभी? शिकायत क्या करेंगे, नहीं तो जैसे कि आपको योजना, जैसे आपको रोड की शिकायत है, लाइट की शिकायत है, सारे आवेदन दे दिए। एक गांव हमारे, ये एक रोड यहाँ पे हमारे पास में, जहाँ पे क्या है कि खाली जो ट्रैक्टर लेके चलते अपन वो भी नहीं चढ़ पाता है। सबसे तो क्या जवाब क्या मिलता है? तो जवाब यही मिलता है कि बस करवाएंगे, बोले आगे से अभी TS पास नहीं हुई है तो बोले करवा देंगे। उसमें पिछली बार भी कोई आपके जैसे कोई पत्रकार आए थे, उन्होंने भी इस समस्या का समाधान किया था, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, मध्य प्रदेश चैनल पे भी दिखाया था, उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। मतलब कि वहाँ पे ये लेके चलो कि बारिश के टाइम तो मतलब इंसान पैदल भी नहीं निकल सकता है, ये कंडीशन बनती है वहाँ पे, ये वाली रोड पे, और इधर भी यही कंडीशन बनती है लगभग कि इंसानों को जाने में बहुत, किसानों को जाने में बहुत समस्या होती है। जी, कब से कितने समय से समस्या? ये समस्या सब अभी चार पाँच साल से, चार पाँच साल से वहाँ पे कुछ बना हुआ था, ये पाइप वगैरह लगे हुए थे तो उसमें क्या है कि मुरम वगैरह डली हुई थी तो ट्रैक्टर वगैरह चले जाते थे, और ये हमारे जो पूर्व सरपंच थे रणछोड़ जी परमार साहब, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ था। उसके बाद से इस रोड पर एक भी ट्राली मुरम की नहीं डली, उसके बाद मतलब ना इधर डली ना उधर डली, सब जगह ये जो है रोड के। पिछली ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं? पिछली ग्राम पंचायत में नहीं, उसके पहले जो हुआ था उसके बाद अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सहमत है? अभी आने वाले सरपंच से आपकी क्या उम्मीद है? यही कि अच्छे गांव में अच्छा विकास हो, रोडों का मतलब रोड मतलब सारे। अभी वर्तमान सरपंच कौन है यहाँ पे? बंसी पटेल।
हाँ। नए सरपंच से क्या उम्मीद है, रोड हो, लाइट हो और क्या क्या चाहिए? हाँ, सारी सुविधा अच्छी है। सरपंच से हमको एक ही उम्मीद, सारी उम्मीद ये है कि गांव में स्ट्रीट लाइट लगे, गांव के हर रास्ते पे चौराहे पे मतलब कि कैमरा लगे, जिससे कि अभी क्या है कि हमारे परिवार में एक जगह चोरी हुई थी, तो वो क्या 4 क्विंटल सोयाबीन पहले ले गए और 4 क्विंटल बाद में लेके गए, तो उसका भी हमने ये करा कि यार क्या देखें, ढूंढा उनको नहीं मिला, रिपोर्ट भी दर्ज करवाई तो उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो भी रास्ते हमारे वो रास्ते का निराकरण हो, बस ये ऐसी उम्मीद। कितने आपके जो मतदाता हैं पूरे गांव में, कितने मतदाता हैं? 850 के समथिंग है, 850 मतलब 850 और 350 वहाँ पे पंचायत के हिसाब से 1300 वोटिंग है, 1300 लोग हैं। तो अभी आपके जो ग्राम पंचायत से कितने लोग खड़े हो रहे हैं यहाँ पर चुनाव के लिए सरपंच? दो प्रत्याशी। क्या क्या नाम है? कृपाराम पटेल और पवन धाकड़। तो क्या लगता है आपको कौन दमदार प्रत्याशी होगा जो आपकी ये जो सारी समस्या है वो हल कर पाए? अभी दोनों के बीच में अच्छी खासी टक्कर है, अभी प्रत्याशी होगा और वही जीतेगा जो इस समस्या को लेके चलेगा। समस्या ये है कि गांव में तो विकास जो है तो वो तो ही है, बाकी किसान विकास कहाँ से कैसे कर पाएगा? किसान की ज़मीन पे अगर जा पाएगा तो किसान विकास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? किसान की ज़मीन के ऊपर अगर नहीं जा पाएंगे, बारिश में कितनी तकलीफ है, खेत के कीचड़ के अंदर जाना पड़ता है। अभी 2 वर्ष से बारिश अगर हो रही है तो हर किसान से पूछो कि आपकी फसल आपके घर तक बरामद आ पा रही कि नहीं आ पा रही है? 5-5 ट्रैक्टर से फानदीन घर लाइडिया हमारे ट्रैक्टर है। हर रोड है। आप हर किसान से ये पूछिए कि 2 साल से आपकी जो फसल है बरामद घर पे आ रही कि नहीं आ रही है? रोड घर से तो हम रोड पर चल जाएंगे और रोड से हम विकास की तरफ किस प्रकार से चलेंगे? विकास कहाँ से, गांव को विकास, देश को विकास हो ही कहाँ से? जब हमारे खेत पे हम किसान लोग हमारे खेत पे अगर नहीं जा पाएंगे, वाहन नहीं जा पाएंगे, तो हम विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? और सरकार से हमारा निवेदन है कि भैया रोड सबसे पहले प्राथमिकता, किसान अगर खेत पे सुरक्षित जाएगा देश का और गांव का विकास होगा, नहीं तो किसान घर बैठेगा खेती कहां से आएगी? और ये बात रही, अभी तक 10 साल हो गए हमारी पंचायत कोई काम नहीं हुआ। हमारी पंचायत ने, हमारे सरपंच ने किसान के हित में कोई विकास के नाम पे मुरम नहीं डली, विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। विकास के नाम पे हम किसान को हमारे खेत पे जाएंगे तो हम विकास करेंगे और विकास चाहिए हमको। यह सरकार से हमारा निवेदन यही है, बोनी को सीजन चल रही हो, ट्रैक्टर ले लिया ना, पर वो तो ट्रैक्टर फानी जा रही है अभी अभी। क्या नाम है आपका? बाबू पटेल। गांव के क्या क्या विकास के मुद्दे हैं जो आपको लगता है पूरे नहीं हुए और अब होने चाहिए? रोड, पानी और किसानों, उनको जंगल में जाने का रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। सड़क की अगर मैं बात करूँ, क्या कभी आवेदन दिया, शिकायत की इस बारे में? बहुत बार शिकायत की। आगे से क्या जवाब आता है? आगे से जवाब यही बस बना देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार अगर, जैसे पूर्व सरपंच हमने बात की, उन्होंने कहा कि नरेगा बंद था, आपको क्या लगता है कि इस बार अगर आप मतलब कोई चुनाव जीतते हैं हाँ, तो किस तरह से रोड का कार्य शुरू? रोड का कार्य बिल्कुल विशाल पटेल है जो उनको जाएंगे और सारी समस्या बताएंगे, उनको गाँव में ले कर आएंगे और विकास रोड का, जंगल का सबसे बड़ा मुद्दा रोड का ही है। क्या विधायक कभी गांव आए हैं? विधायक तो बहुत आते हैं, बाकी सरकार नहीं है उनकी। विधायक बहुत आते हैं गांव में, बाकी सरकार नहीं है उनकी, मतलब फिर भी अच्छी मदद करते हैं वो विधायक जी। हाँ। वहीं ग्राम पंचायत खजराया के सरपंच प्रत्याशी कृपाराम रामलाल पटेल ने ये भी बताया कि गाँव का चहुमुखी विकास उनकी प्राथमिकता है और इसी विकास के एजेंडे पर वो मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या क्या अभी गांव में समस्याएं हैं? हमारा गांव पहले समस्या तो रोड की, जंगल में ना रोड नहीं है, किसान बहुत तस्ती पड़ी रही, बोनम जाकर बोवाएगी जमीन थी। अभी मूलभूत सुविधाएं यहां पर मौजूद है या नहीं है? अगर पानी की बात करूं, नल जो पानी नल योजना लगी गई है, अभी पानी सक्सेस में हो नहीं है सही सारे, पानी आता नहीं है, पानी नहीं है। आप क्या मुद्दे को लेकर के इस बार चुनाव में खड़े हैं? मुद्दे क्या है आपके चुनाव में? बस मुद्दा ही पानी चाहिए गांव में, वो रोड चाहिए। ग्रामीणों को आपको किस बूते पे जिताएंगे? ग्रामीणों के लिए आप क्या क्या करेंगे कार्य? ग्रामीण का लिए सारी व्यवस्था कराऊंगा, ग्राम की जो इनके चाहिए सुविधा पूरी दाऊंगा। अगर मैं बात करूँ
प्रधानमंत्री कई सारी योजनाएं ग्रामीणों को देती है, जैसे आवास योजना है, नल जल योजना है, सड़क योजना है, इसके अलावा स्वच्छ भारत का भी एक नाराज है। क्या इस गांव में सारी योजनाएं मिल रही है ग्रामीणों को? ग्राम कभी मिली नहीं और मिला हूं, करा हूं अभी, पूरी सुविधा नहीं है अभी। पूर्व सरपंच कौन थे, उन्होंने कितना काम किया? बहुत काम करे उन्होंने, पूरा सरपंच बहुत काम, गांव में रोड में मतलब गांव को काम खत्म कर दिया उन्होंने। और पानी पूरा सरपंच ने बहुत पिलायो, 6 साल ने गांव को तीसरे नहीं मरने दिया, पूरा गांव पानी की व्यवस्था नहीं, और आज भी करी रही है, टंकी में पानी पूर्ति नहीं रही है, काम बचे हैं। क्या आप वो सारे काम बिल्कुल उनको काम कराओ, नहीं अधूरा काम पूरा कराओ। ग्रामीणों से क्या अपील करना है? ग्रामीण तो अपनी मदद करेगा, अपन की मदद कराओ, ग्राम वाला अपनी मदद कराओ, उनका सहयोग पूरा दावा है। पुराना सरपंच पानी के मामला में नहीं, पूरी जनता को सही रखी है, और नल चालू जी के बाद पानी पी रहा है। 10 साल हो गए, कोई पंचायत नहीं। अरे भैया रुक तो सही है। पवन नागर। क्या नाम है आपका? नामांकन कहाँ से दाखिल? पवन नागर, ग्राम पंचायत खजराया से नामांकन दाखिल करा और ऑफिस चांदेर में जमा करके आए थे। क्या मुद्दे हैं आपके विकास के लिए? मेन मुद्दे थोड़े किसान की समस्या है, जंगल के रास्ते व्यवस्थित नहीं है, वो अभी क्या कि अगर आदमी ट्रैक्टर लेके जाता ना तो एक ट्राली से एक ट्रैक्टर से एक ट्राली लेके नहीं आ पाता है, कम से कम 4-4 ट्रैक्टर लगाने पड़ते हैं उसको कुंवर में सोयाबीन की फसल घर लाने के लिए। तो मेन मुद्दा वही रहेगा अपना कि हर मतलब हर खेत का रास्ता पक्का चाहिए हमको, और यही उम्मीद रहेगी अपनी। अगर देखा जाए तो पूर्व सरपंच के कार्यकाल में क्या कुछ काम हुए और क्या कुछ काम अधूरे हैं? काम कुछ पूरे भी हैं, काफ़ी कुछ अधूरे हैं, जंगल के रास्ते हैं तो बहुत ही अधूरे, पूरे अधूरे पड़े समझो ये। आपको क्या लगता है कि इस बार अगर आप चुनाव में आते हैं तो क्या आप सारे मुद्दों पे खरा उतर पाएंगे, ग्रामीणों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर पाएंगे? जी जी, हम राजनीति में इसीलिए आए, सरपंच के नामांकन इसीलिए रखा हमने कि हम हर एक इंसान की समस्या का निदान करो, उसकी जो उम्मीद है हमको हमसे लगा के बैठे उसकी उम्मीद पे खरा उतरने की पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी। राजनीति कोई कार्यकाल आपका बैकग्राउंड रहा है या पुराना कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो कि इस बार राजनीति में? नहीं, एक्सपीरियंस तो काफ़ी, बाकी राजनीति में हम ज़्यादा करते नहीं, किसान आदमी है, किसानी से फुर्सत नहीं मिलती, बाकी इस बार क्या थोड़ा मुद्दा होता, हम भी किसान, हमको भी तकलीफ आती है, जंगल से ट्रैक्टर सोयाबीन और इनकी फसल घर लाने के लिए दिक्कत है, इसलिए उस हिसाब से हम सरपंच का फार्म भरा हमने। बाकी इतना ये अपील करते हैं कि अच्छों को चुनो, विकास चाहिए, विकास करवाना है, अच्छों को चुनो, युवा को चुनो, मेन चीज़ युवा भी है, तो युवा को चुनने की उम्मीद लगाए रखे हम। ग्राम पंचायत खजराया में सरपंच पद के लिए कृपाराम रामलाल पटेल और पवन नागर के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि गांव के 1300 मतदाता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधते हैं। इंदौर से मयंक शर्मा की रिपोर्ट।